13 दिसंबर 2021 की तारीख आपको याद होगी। काशी के इतिहास में बदलाव और पुरातनता को सहेजते हुए बदलाव का एक स्वर्णिम उस दिन कहा गया कि स्वर्णिम दिन है। और उस दिन प्रधानमंत्री ने श्री काशी विश्वनाथ धाम का तोहफा देश और प्रदेश की जनता को दिया था। लेकिन उस दिन के बाद से अब तक इस पूरे धाम की तस्वीर किस तरह से बदली और आज धाम किस स्थिति में है, इसकी तस्वीर आपको एबीपी गंगा दिखा रहा है। तो विशेष जरा सा तस्वीरें दिखाइए। ये गंगा द्वार है और ये गंगा द्वार, अगर आप गंगा के रास्ते से अगर इस कॉरिडोर में प्रवेश करना चाहते हैं, धाम में प्रवेश करना चाहते हैं, तो यहाँ पर ये गंगा द्वार है और यहाँ पर स्वच्छता के इंतज़ाम किए गए हैं। आप देखिए, आपको कहीं धूल मात्र भी दिखाई नहीं देगी। लेकिन इस स्वच्छता को बनाए रखने के लिए किस तरह की व्यवस्था की गई है, हमारे साथ कार्यपालक अधिकारी सुनील वर्मा जी भी मौजूद हैं। तो चलते चलते महोदय देखते हैं कि क्या क्या स्थितियां हैं। तो क्या इस बार व्यवस्था जो आप लोगों ने की, तो कितना बड़ा चैलेंज था पहले ये जानना चाहेंगे, और उस चैलेंज को आपने लिया कैसे और व्यवस्थाएँ किस तरह की सुचारू है अभी? श्री काशी विश्वनाथ धाम उद्घाटन के उपरांत हम लोगों ने जिस तरह से प्लान बनाए थे, उन प्लानों के अकॉर्डिंग कार्य करते हुए मुख्य उद्देश्य हम लोगों का था कि किसी तरह से हम श्रद्धालुओं को जितनी बेहतर सुविधाएं दे सकें उतनी बेहतर दें। साथ ही साथ चूँकि धाम की जिस तरह से डिज़ाइन की गई थी वो एक उच्च स्तरीय डिज़ाइन थी, उसी उच्च स्तरीय डिज़ाइन को बनाए रखने के लिए उस उच्च स्तरीय साफ सफाई, सुरक्षा की व्यवस्था और बाकी सब व्यवस्थाएँ उसी अंदाज में रहें, इसका हम लोगों ने विशेष ख्याल रखा था। उन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए हम लोगों ने ना केवल एजेंसीज का चयन किया, अच्छी एजेंसीज का चयन किया, बल्कि जो छोटी मोटी कमियां था उनको भी हम लोगों ने अपने स्तर पर बैठ करके सुधार कराया। और आज की डेट में हम लोग लगभग साफ सफाई या जो भी इस तरह की व्यवस्थाएं श्रद्धालुओं थे उनको उच्च स्तरीय दिखाने पर सक्षम हुए हैं। अगर आप गंगा द्वार से प्रवेश करते हैं तो इन सीढ़ियों के माध्यम से आप धाम के पास पहुँचेंगे और इसके बाद एक और द्वार है, वहाँ की तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। लेकिन ये जो बगल में सीढ़ियाँ हैं सुनील जी, तो वो कैसी सीढ़ियाँ लगी हैं? ये आधुनिक सीढ़ियाँ हैं। कई बार जो श्रद्धालु काशी आते थे वो सीढ़ियों के माध्यम से अगर जा रहे हैं, किसी के पैर में दर्द है, उनके लिए ये सुविधाजनक लगता है। ये जो पूरा धाम बनाया गया है ये बैरियर फ्री बिल्डिंग बनाई गई है, कहीं भी किसी भी तरह से किसी भी व्यक्ति को इसमें आने जाने में अड़चन नहीं होगी। इसके लिए रैंप की व्यवस्था है, ये एस्केलेटर लगाए गए हैं ताकि श्रद्धालु ऊपर चढ़ सकें, और ऐसे ही तमाम इंतजाम किए गए हैं जो सीढ़ियों के साथ साथ सपोर्ट में हमारी हर जगह रैंप है। मेन गर्भगृह तक पहुंचने के लिए किसी भी तरह से कोई भी व्यक्ति गर्भगृह से ना वंचित रह जाए दर्शन से, उन सब की व्यवस्थाएं श्रद्धालुओं के लिए विशेषता ये की गई है। तो ये एस्केलेटर है और इस एस्केलेटर से आप धाम में उस जगह पहुँच सकते हैं जब आप सीढ़ियों को ना अपनाना चाहें, या अगर हो सके तो अगर आपके पैर में दर्द हो तो आप इसको अपना कर पहुंच सकते हैं। तो इस एस्केलेटर पे हम कार्यपालक महोदय के साथ बातचीत भी करेंगे। तो ये एस्केलेटर ज़रूरत कितनी इसकी महसूस की जा रही है? बिल्कुल, जिस तरह से श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ रही है, जो अगर पूर्व की बात करें धाम के उद्घाटन के पूर्व से, तो करीब आज के डेट में 10 से 12 गुना संख्या बढ़ गई। तो ऐसी दशा में और श्रद्धालुओं का जो एक एज ग्रुप है 50 के ऊपर का एज ग्रुप, उनको सीढ़ियाँ चढ़ने में काफ़ी दिक्कत, चूँकि घाट स्तर पर भी सीढ़ियाँ थी तो वहाँ भी रैंप की व्यवस्था की गई है, एस्केलेटर की व्यवस्था। ऐसे विशेष जगहों पे चूँकि हम एसएफएल के नीचे रैंप नहीं लगा, वो नए एस्केलेटर नहीं लगा सकते थे, तो ऐसी जगहों पे हम लोगों ने विशेष व्यवस्थाएं की हैं ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा ना हो। आप यहाँ पर जिस तरह से सफाई के इंतज़ाम दिख रहे हैं, तो कितना बड़ा तंत्र लगा है स्वच्छता के लिए, खासतौर पर बात करें, और सुरक्षा की बात करें तो सुरक्षा भी यहाँ का एक बड़ा चैलेंज था। तो जो विश्वनाथ धाम की सुरक्षा है उसे लेकर कितना और कैसे तत्पर हैं आप? इसमें अगर हम सुरक्षा की बात करें तो दो स्तरीय चीज़ें हैं। एक तो वो सुरक्षा है जो पुलिस अपना इस धाम की सुरक्षा के लिए व्यवस्था करती है, दूसरा इस जो धाम में बिल्डिंग बनी है, जो एसेट तैयार की गई उनकी सुरक्षा के लिए बात हो तो उनके लिए जो इस यहाँ एसेट तैयार की गई हैं उनके लिए हम लोगों ने अपना सुरक्षा एजेंसी को तैनात किया है। प्लस जो परंपरागत रूप से सुरक्षा होती थी, चाहे वो लोगों की सुरक्षा हो, जो पुलिस की जिम्मेदारी, तो वो अपना यथावत उस तरह कर रहे हैं, उनसे हमारा कोई लेना देना। हम लोग अपनी एसेट तैयार करते हुए उनको बेहतर ढंग से सुरक्षा करने, ताकि तमाम जो यहाँ पे महंगी चीज़ें लगी उनकी सुरक्षा हो सके, श्रद्धालुओं की जो सुविधाएँ बनाई गई उनमें किसी प्रकार की छेड़छाड़ ना हो, इन सब चीज़ ध्यान रखते हुए किया गया। और इसमें करीब आज के डेट में लगभग 40 लोगों को इस सुरक्षा के उसमें एंगेज किया गया, सुरक्षा गार्ड लगाए गए। साथ ही साथ यहाँ पर चूँकि पूरा धाम इतना बड़ा होगा, सफाई एक बहुत बड़ा चैलेंज था, तो सफाई के लिए हम लोगों ने एजेंसी चयन की और एजेंसी में
पर शिफ्ट लगभग 70 से 80 लोगों को इसमें रोज़गार दिया गया और इसमें नियोजित किया गया ताकि लोग यहाँ अपनी सफाई को बेहतर बना सकें, और जगह जगह पे राउंड द क्लॉक सफाई होती ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की आने जाने में सुविधा ना हो, उनको कहीं ऐसा ना दिखे, फील हो कि ये धाम जो बना था उसमें कहीं गंदगी। कितने शिफ्ट में सफाई होती है? पर शिफ्ट की बात है, 3 से 4 शिफ्ट अब होती है? ये 8 घंटे की शिफ्ट होती है, तो पर शिफ्ट 3 शिफ्टों में सफाई होती है, जिसमें दोपहर की और सुबह की शिफ्ट में ज़्यादा है और इवनिंग में अपेक्षाकृत कम रहता है, तो मंदिर कुछ देर बंद भी रहता है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे जो स्वच्छता के प्रहरी हैं वो स्वच्छता को धार दे रहे हैं, और इसके साथ आपको विश्वनाथ धाम की अपनी भी सुरक्षा दिखाई देगी। आप देखिए, ये सुरक्षा गार्ड लगे हैं और जो लोग हैं उनको भी सुरक्षा देते हैं और इसके साथ इस बिल्डिंग की भी सुरक्षा करते हैं। आप कुछ और भी चीज़ें बता रहे थे सुनील जी, कि यहाँ पर जो श्रद्धालु ऐसे आ सकते हैं उनके लिए रैंप बना हुआ है। श्रद्धालु सीढ़ियों से नहीं चढ़ सकते, वो पूरा गंगा जी से लेकर के और गर्भगृह तक हम लोगों ने हर जगह रैंप बनाई है ताकि श्रद्धालु मेन अगर सीढ़ी से जा सकते तो सीढ़ी जाएँ, अदरवाइज जो रैंप से भी जा करके दर्शन कर सकते, किसी प्रकार की असुविधा ना हो श्रद्धालुओं का, हम लोगों ने पूरा इसका विशेष ध्यान रखा और जो प्लान हम लोगों ने बनाया था उनको पालन कराया। पीएम के सपनों का धाम इसे कहते हैं, और जहां तक जो तस्वीरें दिख रही हैं, जिस तरह से श्रद्धालुओं की संख्या यहां पर दिख रही है, बढ़ी कितनी है संख्या? ये संख्या अगर हम बात करते हैं, अगर पूर्व की बात करें तो उससे करीब 10 से 12 गुना, और जैसे जैसे उद्घाटन हो उससे उत्तरोत्तर अभी बढ़ती ही जा रही है। पिछले विगत माह सावन में ये संख्या अपने चरम पर थी, इस समय पर फिर से धीरे धीरे संख्या बढ़ रही है, जैसे जैसे नवरात्रि आती जा रही है उससे संख्या बढ़ती जाएगी, और ऐसे ये और भी तमाम जो चीज़ें हैं तो वो आगे संख्या को हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि संख्या में और भी इजाफा होगा। हम तस्वीरें दिखाते रहे हैं और आज भी तस्वीरें दिखा रहे हैं, तो गंगा द्वार से अगर पीछे की बात करें तो ज़रा सा इन बिल्डिंगों के बारे में भी हम जानकारी चाहेंगे कि कौन कौन सी बिल्डिंग है, क्या क्या है, तो इसके बारे में। तो सामने जो दिख रहा है वो गंगा द्वार है, उसके पास जो बिल्डिंग है, गंगा द्वार से जब हम चलते हैं तो एक दोनों तरफ हमारी बिल्डिंग है जो यूटिलिटी सुविधाएँ, जैसे अगर गंगा द्वार से चलेंगे बाएँ तो बाएँ हाथ पर देखेंगे तो कुछ दुकानें बनाई गई हैं शॉपकीपर्स के लिए, दाहिने हाथ पे टूरिस्ट बिल्डिंग बनाई गई, इसी तरह से और ऊपर चढ़ेंगे फिर शॉप बनाई गई, सामने मल्टीपर्पज हॉल है, अपोजिट साइड में जहां हम खड़े हैं ये म्यूजियम है और सिटी गैलरी है, सिटी वाराणसी गैलरी है, और सामने देखेंगे अगर तो जलपान केंद्र है, इसके अलावा स्पिरिचुअल बुक स्टोर है, फिर हम चौक एरिया में प्रवेश करते हैं जहाँ इम्पोरियम्स है, और उसके बाद भी मंदिर परिसर आ जाता है। वीविंग गैलरी भी है? जी बिल्कुल, वीविंग गैलरी भी है, और ऐसी तमाम यहाँ पे सुविधाएं दी गई हैं जिसमें यात्रियों को आने पर उनको एक अपना जुड़ाव महसूस होगा, लोगों को यहाँ हर चीज़ बनारस की जानकारी प्राप्त होगी, ये सब उद्देश्य था इसका और वो पूरा किया गया। आप स्वयं देख सकते हैं इतने श्रद्धालु बैठे हुए हैं, एकदम निश्चिंत होकर के बैठे हुए इस धाम में। श्रद्धालुओं के लिए यहाँ सामने दिखाई दे रहा है कि एक तरफ महिलाएं जाएंगी, एक तरफ पुरुष जाएंगे, उनके लिए कूलर की व्यवस्था है, तो व्यवस्थाओं को कितना बड़ा आपने चैलेंज के तौर पे लिया और कैसे उतारा? बिल्कुल, जब हम शुरू किया था, जब धाम एक तरह से जब शुरू हुआ तो उस समय व्यवस्थाएं धीरे धीरे बनाई जाती थी, जैसे जैसे हमें महसूस होता गया कि ये भी श्रद्धालु, चूँकि बीच में गर्मी का भी सीज़न था तो हम लोगों ने टॉप से लेकर के उनके छाया से लेकर के पेयजल से और तमाम ऐसी चीज़ें अलग करना, महिला पुरुषों का अलग करना, वॉशरूम और तमाम जो सुविधाएं थी उनको सबको हम लोगों ने बारी बारी करके एक एक चीज़ पे बैठक की डेली और उनको हर तरह से लागू करने का प्रयास किया, और आज की डेट में हम लोग 100% अपना उपयोग उसमें कर रहे हैं, तो चीज़ों को दे रहे हैं ताकि वो सुविधाएँ बेहतर हो सके। तो पीएम का तोहफा काशी को विश्वनाथ धाम कॉरिडोर के तौर पर था, और अब ये विश्वनाथ धाम कॉरिडोर पूरी तरह से तैयार है, व्यवस्थाएं यहां पर चाक चौबंद कर दी गई हैं, हर ओर आपको यहां पर व्यवस्थाएं दिखाई देंगी, और उन व्यवस्थाओं को एबीपी गंगा आपको दिखा रहा है। ये देखिए वीविंग गैलरी, और वीविंग गैलरी के बाद मंदिर चौक क्षेत्र है, और ये सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर देखिए, अगर आप वीविंग गैलरी के पास आते हैं तो आपको यहाँ पर चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था दिखाई देगी, जो पुलिस के जवान हैं वो पूरी तरह से मुस्तैद यहाँ पर दिखाई देंगे, और यहाँ से ये देखिए यहाँ पर कूलर की भी सुविधा है, और पूरी चेकिंग से होकर गुजरना पड़ेगा, और ये देखिए ये सामने जो कोई भी इस धाम में प्रवेश करेगा चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था के बाद आप मंदिर चौक तक पहुँच पाएंगे, और ये चौक का द्वार यहाँ पर जो कहते हैं कि वीविंग गैलरी, एक और मंदिर प्रांगण का दर्शन और दूसरी ओर से गंगा का दर्शन, और श्रद्धालु यहाँ पर आते हुए वीविंग गैलरी से आगे बढ़ते हैं तो ये मंदिर चौक का क्षेत्र है। आप देखिए मंदिर चौक का ये क्षेत्र आपके सामने, आप देखिए चारों ओर आपको यहाँ पर जिस तरह से व्यवस्थाएं आपको दिखाई देंगी वो आपके सामने हैं, तो यहाँ पर जिस तरह से
व्यवस्थाओं को चाक चौबंद किया गया है। इस धाम के उद्घाटन के बाद जिस तरह से व्यवस्थाओं को जमीन पर उतारा गया है, प्रधानमंत्री और काशी के सांसद के जन्मदिन के मौके पर इन व्यवस्थाओं की सराहना हो रही है और इन व्यवस्थाओं को जमीन पर उतार कर कहें तो विश्वनाथ धाम के तोहफे को जनता और श्रद्धालु स्वीकार करते हुए नजर आ रहे हैं। कैमरामैन विशेष के साथ नीतीश कुमार पांडे, एबीपी गंगा, वाराणसी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।